555 timer IC, 100 ohm resistor, red LED, some connecting wires, IC pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. IC pin number 1 में 100 ohm resistor connect करेंगे. Pin number 1. LED को pin number 3 में connect करेंगे. Positive pin number 3 में connect होगा. और रेसिस्टर कनेक्ट कर लेंगे के नेगेटिव में. सर्किट में पिन नंबर 1 से 100 ओम रेजिस्टेंस लिया जो नेगेटिव से होते हुए पॉजिटिव पिन नंबर 3 में कनेक्टेड है. अब कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 4 टू 8 कनेक्शन करेंगे. सॉरी पिन नंबर 4 टू 8 पिन नंबर 4 टू 8 कनेक्शन हो चुका है. जो हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे इसमें पिन नंबर 8 और फर्स्ट के बीच में सप्लाई होगा और अभी कुछ टच वायर निकालेंगे जिससे वर्क करेगा सर्किट. तो कनेक्शन कर लेते हैं वायर्स का. जो कनेक्शन हुआ वो है पिन नंबर 8 और 6, पिन नंबर 1 और 2. इनके बीच से मैंने एक वायर निकाला है वो टच के लिए काम होगा. अब सप्लाई प्रोवाइड करेंगे पिन नंबर 8 और फर्स्ट सप्लाई 4 टू 5 वोल्ट 9 वोल्ट बैटरी इसके ऊपर कनेक्शन कर रखा मैंने. ये 5 वोल्ट है और यहाँ से सर्किट से कनेक्शन ले लूँगा मैं. तो ये मुझे 9 वोल्ट बैटरी से 5 वोल्ट प्रोवाइड कराएगा. सिंपल मैं 9 वोल्ट कनेक्ट करूँगा. ये कनेक्टर और ये यहाँ से मुझे 5 वोल्ट देगा. अभी से कनेक्शन हो चुका है और ये जो मैंने आपको बैटरी शो किया इसमें 5 वोल्ट रेगुलेटर लगा हुआ है 9 वोल्ट बैटरी के ऊपर और इसमें से दो वायर कनेक्ट करके मैंने पॉजिटिव. तो ये 5 वोल्ट सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ मैं. पॉजिटिव पिन नंबर 8 और नेगेटिव पिन नंबर 1. तो सप्लाई कनेक्ट हो चुका है और एलईडी ग्लो कर रहा है और जैसे मैं यहाँ टच कर रहा हूँ एलईडी ऑफ हो गया और जैसे आप यहाँ टच करोगे एलईडी ऑन हो गया. ये पिन नंबर 1 और 2, पिन नंबर 8, 6, ऑफ ऑन ऑफ ऑन. ये तो टच काम कर रहा है. यहां से आप ऑफ कर सकते हो और इसको प्रेस करके ऑन कर सकते हो. ऑफ ऑन ऑफ ऑन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बहुत ही स्मॉल सर्किट है और इजीली बन सकता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.